गाइस आज दोनों भाई हैं भारत दर्शन पार्क। हाँ। भारत दर्शन पार्क है, आप जीपीएस पे डालोगे लोकेशन आपको दिख जाएगी। दिख जाएगी, हाँ बिल्कुल दिखेगी, क्यों नहीं दिखेगी। और यहाँ पे सबसे बड़ा पंगा है कि पंगा मतलब आई मीन यहाँ पे एंट्री के लिए आपको सैटरडे संडे में 150-150 रुपए, मतलब 150 रुपए पर पर्सन देने पड़ेंगे। मंडे टू फ्राइडे आपको 100 रुपए देने खाली। सबसे बड़ा पंगा ये हुआ है कि आज यहाँ पे QR स्कैनर नहीं है। हमने एक आइसक्रीम वाले को पैसे देके 600 रुपए देके 500 रुपए लिया हमने उसे एक एक्सचेंज किया, तभी हमारे अंदर एंट्री हो पाई। नहीं तो हमारी, मुझे अल पचिनो का एक डायलॉग याद आ गया, मेक ह्यूमन ऑफर ही कैन नॉट रिफ्यूज। आज नहीं कर पाया वो, रिफ्यूज नहीं कर पाया और उस बदौलत से हम अंदर आ गए। चलो फिर इस जो बेसिकली भारत दर्शन पार्क है हम आपको दिखाते कैसा है। ये आपके भारत के जो भी मॉन्यूमेंट्स वगैरह, जैसे आपका गेट हो गया, फिर कुतुब मीनार हो गया, उसी का है, बट वो मेटल में वेल्ड करके बनाया हुआ है। चलो अब आपको स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? तो गाइज ये है गेटवे ऑफ इंडिया। तो गाइज अभी गेटवे ऑफ इंडिया में आपको फ्रेंड से दिखा दिए, गेटवे ऑफ इंडिया का मिनिएचर है। भारत दर्शन पार्क में आपको जितनी भी चीजें दिखेंगी ना, सारे मॉन्यूमेंट्स स्टील के दिखेंगे। आपको स्टील की आवाज सुनाता हूँ। पूरा पूरा आयरन है, पूरा ऊपर जो है वो पूरा जो लोहे का स्टील यूज होता है, सरिया बेसिकली हम जो कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं वो लगा हुआ है। ये पूरा आयरन लगा हुआ है। तो ये हमारा गेटवे ऑफ इंडिया का मिनिएचर कवर हो गया। यहाँ से आप देखोगे गेटवे ऑफ इंडिया का मिनिएचर 150 रुपए में हमने मिनिएचर देख लिया गेटवे ऑफ इंडिया का। अब आगे चलते हैं। मुंबई जाते ज्यादा खर्चा हो जाता है तो मिनिएचर सही है। मुंबई सही बात है, मुंबई जाते ज्यादा खर्चा हो जाता है। अब हम धीरे धीरे मेटल्स के जितने भी मिनिएचर है सब आपको दिखाएंगे। और अभी बता रहे अभी तो हम मुंबई पहुंचे, अभी वो थोड़ी देर जाके देखो साउथ भी पहुंचेंगे। मतलब भारत दर्शन है ना, तो यहाँ पे मुंबई मिलेगा, गुजरात भी मिलेगा, दिल्ली तो मिलता है हर जगह। गुजरात का क्या फेमस है? ढोकला मिलेगा क्या? ये क्या पंकज अभी दिखाते हैं, ये मॉडर्न आर्ट है। अब हम आपको दिखाएंगे बैनियन ट्री, हिंदी में कहते हैं वट वृक्ष। वट एक्चुअली क्या है ना, वो तो ना इसको वट वृक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसा होता है ना कि दोस्तों में हमारा वट ज्यादा है, तो पेड़ों में ना इस पेड़ का वट ज्यादा है, इसलिए वट वही तो इसको वट ज्यादा है, इसलिए बोलते हैं वट वृक्ष। बेसिकली हम मतलब ये जोक से बात, अब हम आपको वट वृक्ष यानी बैनियन ट्री की मिनिएचर दिखाते हैं आयरन फॉर्म में। एक मिनिएचर आपको और दिखाते हैं। अब ये टोरा वृक्ष दिखा दिया हमने लोगों को, मतलब वट वृक्ष हम पंजाबी में उसको टोरा बोलते हैं। टोरा वृक्ष के बाद हम चलते हैं आगे कहीं, मतलब वैसे मैं कह रहा हूँ इधर कहते हैं संडे में इनके इसकी एंट्री ना वो ज्यादा हो जाती है, तो संडे में लोहे का भाव बढ़ जाता है क्या? 100 रुपए किलो से 150 किलो क्राउड ज्यादा होता है। अब हम जाते लेफ्ट, वैसे राइट 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 वैसे कह रहा हूँ टेक्निकली सैटरडे को तेरा यहाँ पे महंगा नहीं चाहिए टिकट, क्यों शनिवार होता है लोग भारी होता है। अभी हम मुंबई थे, मुंबई के बाद एक वृक्ष पे हमने पेड़ की छाव ली। हाँ हाँ, अब हम पहुंच चुके हैं कहाँ? जयपुर। मतलब कहते हैं ना दुनिया छोटी है, वो यहाँ पे आपको पता चलेगा। दो कदम से अभी आए 5 मिनट के अंदर देखो जयपुर आ गए मुंबई से। आपको दिखाते हैं हवा महल। कहने को तो हवा महल है बट गर्मी बहुत लग रही है, भाई के देखो पसीना कितना आ गया, शॉट लेते लेते हवा महल दिखा दिया अच्छे से। नहीं हवा महल तो दिखा दिया, लेकिन हवा महल की खास बात बताता हूँ, जब मैं वो गया था ना जयपुर तो उन्होंने बताया था कि जो हवा महल है ना उसकी नींव नहीं पड़ी, ऐसे ईट उसके ऊपर बन के सामान रख के बना, उसकी नींव नहीं पड़ी। वो एक्चुअली ना रानियों के लिए जो वो निकलती थी ना वो और रानियों के लिए तेरा वो निकलता था जैसे परेड निकलती थी जब, तो रानी इन जगह पे बैठ के ना खिड़कियों में बैठ के छोटी छोटी खिड़कियों में से वो देखती थी कि जो निकलती थी परेड टाइप का कुछ। चलो ठीक है, तो रोड पे अब गेटवे ऑफ इंडिया से हमने देख लिया हवा महल, मतलब मुंबई टू जयपुर। अब हम चलते हैं कहीं और, वहाँ आपको दिखा था गेटवे ऑफ इंडिया, वहाँ से ऐसे आप आए सामने से आपको दिखा हवा महल। अब इस हवा महल से हम जाएंगे यहाँ। कौन से जगह जा रहे हैं हम, कौन से देश, कौन से मतलब स्टेट, ये तो कुछ पता चल जाएगा। वो लिखा हुआ पहले पता कर लेते हैं, ये है गोल गुंबज। गोल गुंबज, गोल गुंबज हमें कैसे पता चला? हमें ऐसे पता चला, जब भी आप आओगे हर जगह कियोस्क लगे हुए हैं यहाँ पे, तो ये कियोस्क हमने देखा गोल गुंबज, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे और सामने से आपको दिखा देते हैं। तो ये
है गोल गुंबज का मिनिएचर, ये भी आयरन एंड स्टील, अंदर हम जा नहीं सकते, यहाँ पे बेड़ियाँ लगी हुई हैं, बेड़ियाँ जाने को जा सकते हैं बट हम भी जाएंगे नहीं, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हैं। हाँ। तो ये गोल गुंबज का मिनिएचर, सामने आओगे तो आपको अलग ही फील आएगी, आई मीन अच्छा लगेगा। हाँ। लेकिन सही में अच्छा अच्छा एफर्ट्स डाल के पार्क को बनाया हुआ है और अच्छा भी है, फैमिली के साथ के लिए भी आने के लिए काफी अच्छा है, मतलब हैंग आउट कर सकते हैं, मतलब लाइट हैंग आउट अगर करना हो बट हाथ वाला पंखा का साथ लाओगे तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि ह्यूमिडिटी हो रही है, हवा महल होकर हवा नहीं लगती। अब गाइस हम वापस दिल्ली आ चुके हैं, मुंबई जयपुर और अब दिल्ली, दिल्ली में हम आपको दिखाते हैं कुतुब मीनार ये रहा सामने, देख लो। वैसे अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपको कुतुब मीनार वैसे भी दिख जाएगा मेहरौली के अंदर, बट अगर आपको भारत दर्शन पार्क आओगे, इसकी हाइट काफ़ी लग रही है, मैं पीछे जाता जा रहा हूँ काफ़ी ऊँचा है, अच्छा बना रखा है, तो लग रहा है ओरिजिनल वाले से बढ़िया बना, ओरिजिनल वाले से ऊँचा तो नहीं है बट काफ़ी ऊँचा है, भी अच्छा बना है पंकज, ये भी आयरन एंड स्टील है पूरा। क्या कह रहा है ये अपने वहाँ का चंदू स्टील वाला बना लेगा क्या ये? नहीं, ये नालंदा ही है। हाँ, ये ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। सो दिस इज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो हम आपको दिखा देते हैं कि आज की डेट में जो इसका मिनिएचर है वो कैसा है, वैसा ही ओरिजिनल दिखता है, बहुत प्यारा बना रखा है, बहुत प्यारा राहुल, बहुत प्यारा, मतलब मिनिएचर क्यों बोल रहे हो, मिनिएचर हाँ, यूनिवर्सिटी तो बहुत काफी एकड़ फैली है, मिनिएचर है ना इसका, काफी डिटेलिंग में काम किया हुआ है, फिर बेड़ियां लगी हुई है यहाँ पे। हाँ, बट ये इसका जो मिनिएचर है, ऊपर जाते तो और अच्छा दिख जाता, ऊपर जा नहीं पाएंगे, अगर हम इसमें ऊपर जा पाते ना ऊपर बहुत अच्छा दिखता है, बट अगर आप दूर से भी देखोगे जो डिटेलिंग हुई है ना किस काम की, आयरन स्टील से, इससे बदलता है कि लोहा दुनिया के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। यह है नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी, द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स, देखते हैं कहाँ जा रहे हैं, साउथ टेम्पल, हमें दूर से, हाँ वही से दिख गया, यही से दिख गया, दूर से हमें एक टेम्पल दिख रहा है, सामने से तो बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, बहुत ही मतलब उम्दा, पंकज उम्दा कहते हैं ना, उम्दा कारीगरी, दिस इज परफेक्टली आउटस्टैंडिंग, बहुत दूर से आपको दिख गया, फेस लगाया गया वो प्रोजेक्ट की तरह और हर मूर्तियों को एकदम एक्यूरेट रखा गया। हाँ, और इसका अगर आप क्योस्क देखोगे तो मीनाक्षी टेम्पल है पंकज, दिस इज मीनाक्षी टेम्पल, सामने से हमने आपको दिखा दिया, यहाँ पे डायमेंशंस, क्या मटेरियल यूज हुआ है, क्या प्रोसेस है, यहाँ पे आपको आपकी इसकी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी और यहाँ आपको उसका मिनिएचर दिख जाएगा, कहने को मिनिएचर है बट अच्छा मिनिएचर है, मतलब फील कर सकते हो वहाँ की भाई। तो मीनाक्षी टेम्पल से हम मूव करते हैं, तो अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमें पांच चीजें दिखेंगे यहाँ पे। तो गाइस इस कियोस्क में अब हम आपको दिखाने वाले हैं बद्रीनाथ टेम्पल, तो गाइस दिस इज बद्रीनाथ टेम्पल, अब हम मूव करते हैं सामने, सारे टेम्पल्स इकट्ठे हैं तो आपको कट टू कट दिखाते हैं कौन सा टेम्पल क्या है, ये कौन सा टेम्पल है पंकज, सामने कियोस्क लगा है ना, द्वारकाधीश टेम्पल, चारों धाम है यहाँ पे, कुछ दिनों में तो राम मंदिर बन जाएगा, अगर चार धाम बने तो राम मंदिर भी बन जाएगा, चारों धाम है, रामेश्वरम मंदिर के अपोजिट डायरेक्शन में जो डार्कनेस काफी ज्यादा हो रही है, और लास्ट धाम बचा है, अभी जो हम आपको दिखाने वाले हैं ये है महाबाद प्लेस, महाबाद प्लेस है क्या इसका, 1900 में बनाया महाबाद प्लेस दोबारा, अच्छा देने दे सुंदरता के लिए जो भी है लेकिन बहुत बढ़िया बनाया हुआ है, बेसिकली आर्किटेक्चरल ब्यूटी है 19th सेंचुरी की, इतनी डिटेलिंग है ना, अभी हम आपको दिखाई देते कितनी डिटेलिंग है, कितनी डिटेलिंग है पंकज, बहुत ज्यादा, ये इसके चार वो बना रखे पोल्स, काफी ज्यादा सुंदर है यार, काफी ज्यादा, मुझे नहीं लग रहा कि भाई कैमरे में इतना डिटेलिंग में आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, लेकिन कुछ होती ना कुछ चीजें राहुल जो कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाता, ये उन चीजों में से एक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब एक टेंपल हमें और दिख रहा है, भारत दर्शन पार्क बहुत बड़ा है, अभी हम आपको बेसिकली जो मेन चीज है वो दिखा रहे हैं, बाकी आप लेकिन गूगल पे सर्च करके आप बोलोगे वर्थ इट है, मैं बोलूंगा हाँ, मतलब वर्थ इट है अगर आप टाइम निकाल के आओ और गर्मी थोड़ी कम हो, सर्दी के मौसम ना एकदम चिल्ड और फैमिली के साथ आप अच्छे से घूम सकते हो, बहुत प्यारा ब्यूटी देख पाऊंगा, कितना कितना अच्छे वो लगा रहे पेड़, मतलब ये रहो हो ये भी क्या भाई क्या क्या दिखाएं लोगों को, अरे यहाँ तो लोगों को आना ही पड़ेगा, डिटेलिंग देख यार, आजा। तो बेसिकली सजेशन हमारा ये है कि आप भारत दर्शन पार्क में आपको पूरा व्लॉग भी तो दिखा सकते, आप आओ, बेसिकली हमने आपको एक आइडिया दे दिया कि यहाँ पे होता है क्या, मिनिएचर्स आपको दिखेंगे स्टील आयरन के, ग्रीनरी बहुत अच्छी है, ह्यूमिडिटी में अगर आप अवॉइड कर सकते हैं इसी चक्कर में ज्यादा सर्दियों में आएंगे आपको बहुत मजा आएगा,
नहीं, लेकिन मैं ये कहता था देखो, अगर हमने आपको सारी चीजें दिखा भी दी, कल को यहाँ होगी तो क्या सस्पेंस रह जाएगा आपके लिए भी? तो हम ऐसे आधी चीजें दिखाएंगे आपको, आधी हम नहीं दिखाएंगे। हमने आपके लिए सस्पेंस बना के रखा, तो अब हम लाइक शेयर और सब्सक्राइब, इसके अलावा क्या बोल सकते हैं, इतना सारा बिस्कुट हो गया। तो हम निकल रहे हैं जगह से, अब घर जाएंगे, बहुत ह्यूमिडिटी होगी, सुबह से ब्लॉक कर करके पसीना बहुत आ रहा है। जितना भी बच्चे पहले पैसा वसूल करके जाएंगे, सारी चीजें देख के जाएंगे, और आप आओगे तो आप भी देख के जाना। तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब। सब्सक्राइब थोड़ा जोर से बोलो, सब्सक्राइब।